हेलो हेलो, गुड आफ्टरनून, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? खैरियत से होंगे, अच्छे होंगे। बोल नहीं, इस वीडियो में आपको मेरी स्टोरी सुनाऊंगा जब मैं सऊदी आने वाला था तो जब मेरे को कितना पैसा लगा था। बने रहो। अभी मैं पैदल पैदल जा रहा हूँ होटल को। होटल जाते जाते जो है आप लोगों को सुनाऊंगा। लंच लाने के लिए जा रहा हूँ। से थोड़ी हवा की आवाज़ भी आएगी मुमकिन। यह है गार्डन। बहुत बहुत दिन बाद पैदल जा रहा हूँ। जब मैं सऊदी आने वाला था तो जो मेरा वीज़ा था, वीज़े में कितना पैसा लगा, ठीक है, और मेरा पासपोर्ट कौन सा है और कितना टाइम में मेरा पासपोर्ट मेरे को मिला था वीज़ा लगने के बाद, और टिकट का, इमिग्रेशन का कितना लगा था, और कौन से साल में मैं आया था, पूरा बताऊँगा। वीडियो पूरा एंड तक देखना ज़रूर। तो मेरा जो वीज़ा था, वो वीज़ा जो है एक मेरे दोस्त के पास से लिया था, यानी कि मेरे दोस्त के दोस्त था वो बंदा, सऊदी अरब में रहता था। तो वो समझो मेरे को कोई एजेंट वगैरह वीज़ा नहीं दिया था, मेरा वीज़ा जो है एक दोस्त ने दिया था। और वो वीज़ा के मेरे पास से 20,000 रुपया इंडिया का लिया था, और वो 2012 अक्टूबर नवंबर के महीने में, नवंबर में आया था, नवंबर में वीज़ा आया था मेरा। नवंबर में ही मैं पासपोर्ट ले जा करके ऑफिस को दिया था, ठीक है। 20,000 रुपया वो लिया था मेरा पास से वीज़ा का। क्या करेंगे भाई, देना ही पड़ेगा ना, वीज़ा ऐसे थोड़ी मिलेगा, फ्री तो नहीं मिलेगा वीज़ा ना, देना तो ज़रूरी है। एग्जैक्ट मेरे को तारीख है तो याद नहीं है कि कौन से दिन मैं मेडिकल गया था। तो मेरा मेडिकल का जो मेरे को हॉस्पिटल मिला था वो था हैदराबाद में। तो मेडिकल कराने के लिए हैदराबाद गया था और एक दोस्त के साथ में, उसका फेल हो गया, मेरा पास हो गया। तो मेडिकल में मेरे को 4,000 रुपया लगा था उस टाइम में। 4,000 के साथ साथ में आने जाने का खर्चा 1,000 रुपया हुआ था तकरीबन। मेरे को निज़ामबाद से हैदराबाद जाना, वापस आना, खाना वीना वगैरह, तो समझो पूरा 25,000 रुपया हो गया, वीज़ा का पैसा और मेडिकल का पैसा, ठीक है। उसके बाद जो मेरे को देना था इमिग्रेशन के लिए, एडजस्टमेंट के लिए, और अच्छा जो नाम याद नहीं आ रहा है मेरे को, सॉरी, वो जो मेडिकल के लिए जो नंबर देते हैं ना निकाल के, उसको क्या बोलते हैं यार, भूल गया मैं। तो उसका लिए पहले 2,000 रुपया लिया था भाई साहब ने मेरे पास में, ऑफिस वालों ने। मेरा जो काम हुआ था भारत ट्रेवल्स, जो कि निज़ामबाद में है, भारत ट्रेवल्स निज़ामाबाद में नटरा स्टाकिस के बाजू में है, वहाँ से मेरा काम हुआ था वीज़ा का। तो भाई साहब ने मेरे पास 30,000 रुपया बोला था मेरे को, 30,000 रुपया देना पड़ेगा आपको, टिकट वकीट सब उसमें ही, टिकट, इमिग्रेशन वगैरह वगैरह सब कुछ। पहले उतना टाइट नहीं था ये ECR पासपोर्ट वालों का, मेरा पासपोर्ट ECR है, और मेरे को वो टाइम में 28,000 रुपया लगा था, 28,000 वो, और पहले 2,000 दिया था, 30,000, ठीक है, 30,000 और ये 25,000, कितना हो गया, 55,000। सिर्फ 55,000 में मैं सऊदी पहुंच गया था 2012 दिसंबर की 25 तारीख को। ये आप देख रहे हो ना, होटल नजद, तो वहां से मेरे को लाना है लंच। और ये है यहां का बस का दादर। अभी बसेस तो चालू नहीं हुई, लेकिन 15B इसका नंबर है, मेरे को इस पर चढ़ के जो है वो साइड जाना पड़ेगा, रोड क्रॉस। बहुत अच्छा बना रहे यार ये, देखो यहाँ से सीढ़ियाँ हैं ऊपर तक। ये है दिराब रोड, आप देख सकते हैं, इधर जाएगी मलिक फहद और ये साइड में जाएगी दिराब रोड, दिराब गांव को, विलेज को जाएगी। तो मैं इस फ्लाईओवर के ऊपर से जाके जो है नजद होटल से लंच लेने वाला हूँ, क्योंकि लंच करना था ना भाई, यही होटल से खाना लेना है। मैकडोनल्ड्स भी है यहाँ पर, मैकडोनल्ड्स से ले सकता हूँ, लेकिन बर्गर कौन खाएगा यार, चावल लेके जाएंगे सीधे सीधे। यहाँ से नीचे उतरो, वो साइड से मैं आया हूँ, चलते हैं नीचे। अभी ये साफ़ सफाई नहीं हुआ, देखो ये जो कटिंग वटिंग, कचरा मचरा सारा पड़ा हुआ है, बहुत काम बाकी है अभी। लोग बड़ा शौक से खाते हैं मैकडोनल्ड्स, लेकिन हमको पसंद नहीं है भाई ज़्यादा बर्गर। यहाँ पर मैं दे रहा हूँ वॉइस ओवर, तो मैं लंच लेकर के जो है आ गया है, देख सकते हैं 20 रियाल का मैं लिया था ये, और 20 रियाल का लेकर के जा रहा हूँ, ऊपर चढ़ रहा हूँ मैं।
तो यहाँ सामने आपको वर्कर लोग देखेंगे जो बैठे हुए थे काम करते हुए, यानी काम हो गया था उनका, धूप की वजह से जो है वहाँ पर बैठ गए। तो ये पीछे देख रहे हैं आप, वो लोग बैठे हैं, रुकाया है मेरे को, सलाम वलाम किया, दुआ किया और पूछे क्या हाल है, कैसे हैं। वो मुमकिन इथोपिया के थे, अफ्रीका, अफ्रीका में है ना इथोपिया, तो इथोपिया साइड के है। तो होता है ऐसे ही, चलते फिरते रहेंगे तो लोग बात करेंगे, देखेंगे। आप वीडियो बना रहे हैं तो खास करके लोग छेड़ के बात करेंगे, रोड पे वीडियो बनाने का मज़ा और होता है, लेकिन सऊदी अरब में ऐसे वीडियो बनाना थोड़ा डेंजर होता है भाई, डेंजर, सऊदी अरब पहले का है। जो मसला था ना, जब क्या है इमिग्रेशन वगैरह कोई ऐसा डर नहीं था, ईसीआर पासपोर्ट वाले भी बहुत लोग आते थे, और जब यहाँ सऊदी अरब के किंग थे, किंग यानी मलिक अब्दुल्ला, माशाल्लाह उनका इंतकाल हुआ, अल्लाह उनको जन्नत में आला मुकाम अता करे, और आसानी था पहले, ऐसा कुछ हार्ड नहीं था। लेकिन अब आने वालों के लिए इमिग्रेशन करवाना ज़रूरी होता है जिसके पास ईसीआर पासपोर्ट है, ठीक है। ईसीएनआर वालों को ऐसा कुछ नहीं रहेगा। और इंडिया में भी पहले हुकूमत थी कांग्रेस पार्टी की, तो जब ऐसा कुछ रूल्स नहीं था, लेकिन अभी अभी नया नया चालू किया गया, ये अच्छा है। लेकिन वैसे इमिग्रेशन तो होता ही है भाई, इमिग्रेशन का स्टाम्प तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन ये एक्स्ट्रा पैसे फिर से लग रहे हैं, तो ईसीआर पासपोर्ट वालों को लगाना ही पड़ेगा। ईसीएनआर पासपोर्ट वालों के वही 12-13 हज़ार रुपये बच जाएंगे, सही है ना। मैं जब आया था मेरे को टोटल समझो घुमा फिरा के खर्चा पूरा 60 हज़ार हुआ था 2012 में, 2012 दिसंबर के महीने में मैं आया था सऊदी अरब। बच्चा देखो गाड़ी चला रहा है, सॉरी साइकिल, ये पैदल वाली रोड है भाई अपनी, पैदल पैदल जाना है खाना लेकर के अल नजद होटल का। ये हमारे ड्राइवर साहब है, क्या बात है जी, सलाम वालेकुम, कैसे है, खैरियत, और खाना वाना हुआ कि नहीं? हाँ, हो गया, हो गया। वीडियो बना रहा हूँ तुम्हारा, कोई मुश्किल नहीं, मुश्किल नहीं है ना, नहीं, नहीं। चलो सही है, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ कहाँ से आए? मैं आया हूँ शिफा से। शिफा, फिर गया हाइबर पांडा। अच्छा, हाइबर पांडा से डायरेक्ट आए। सही, अब रूम पे जाना है, बात हो गया। कहाँ से इंडिया में आप? लखनऊ से। लखनऊ में कहाँ पे? खुर्रम नगर। खुर्रम नगर, अच्छा। यहाँ कितना साल हो गया? यहाँ 8 साल से ज़्यादा हो गया। माशाल्लाह मेरे बराबर ही है ना। सही है, मस्जिद में रूम है, अच्छा तो है ना सब कुछ? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बढ़िया है। हाँ इसको अंदर करो। कपिल भी अच्छा है। चलो माशाल्लाह, 8.5 साल हो गया। सही है, चलो ठीक है, मिलेंगे। हाँ ओके, सलाम। सही में यार, हिच हाइकिंग करने में, पैदल चलने में, लोगों से मुलाकात होएगी, बात होएगी, अच्छा लगता है। अभी भाई साहब मिले, बात हुआ, बहुत टाइम से मैं उनको जानता हूँ, लेकिन अभी तक वीडियो में नहीं लिया था उनको मैं। अभी चलते हैं भाई रूम पे, धूप तो एकदम ख़तरनाक तरीके की चमक रही है, लेकिन हवा भी चल रही है, हवा रहने की वजह से इतना कुछ महसूस नहीं हो रहा है, माशाल्लाह ठंडी हवा है। मेरे को अभी भी जो है ना पब्लिकली वीडियो बनाने की आदत नहीं हुई है, पब्लिक में वीडियो बनाने को डर लगता है, यहाँ सऊदी अरब में तो डर लगता है भाई, यूरोप कंट्रीज़ में मुश्किल नहीं है, एशिया उधर जाओ मुश्किल नहीं है, गल्फ में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, कोई रुकाएगा, पूछेगा, बोलेगा क्यों बना रहे वीडियो, किस लिए बना रहे हो, तो उनको क्या जवाब देंगे? खैर बोल सकते हैं यूट्यूब के लिए, लेकिन फिर भी अजीब व गरीब सवाल करेंगे। पीछे जो है गाड़ी खड़ी हुई एक पानी की है, तो वो पानी जो है लाके यहाँ पर गाड़ी लगा के बेचते हैं, वैसे बकालों में भी डालते हैं और यहाँ पर भी बेचते हैं। पैदल चलने में थोड़ा, इसीलिए बोलते हैं पैदल चलने की आदत होना चाहिए, नहीं होएगी तो मुसीबत है। आज तो मैं सोच रहा था कि आज कोई वीडियो बनेगी कि नहीं बनेगी, लेकिन एक भाई साहब ने कमेंट किया कि भाई आपका इमिग्रेशन का पैसा कितना लगा था, पूरा मिला के 60 हज़ार लगा था। जवाब मिल गया भाई का, और उनके उस सवाल से मेरे को वीडियो भी मिल गई और वीडियो बना भी दिया, माशाल्लाह यार, थैंक यू कमेंट करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलते हैं रूम के करीब, आ गए अभी, पहले लंच करेंगे उसके बाद बात करेंगे। अच्छा एक मज़े की बात बोलूं, मैं जैसे अभी होटल से आ रहा था ना, आते आते मैं सोचा मैं खाना तो लेके आ रहा हूँ, खाना लाने के बाद अगर मेरे को फ़ोन आ गया तो मैं खाऊँगा कब। जैसे मैं आया, आके बैठा, बैठ के ऐसे खाना सामने रख रहा हूँ, फ़ोन आ गया, फ़ोन आ गया, सच्ची बोल रहा हूँ, फ़ोन आ गया, जाके आया हूँ,
लेकिन वो मैं बोला अभी तो सब बंद रहेगा नमाज़ के, अब बाद में जाऊँगा फिर आपका काम करूँगा। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलिए देखते हैं खाना और खाते हैं भाई जल्दी जल्दी, ड्यूटी कभी भी लग सकती है। तो भाई ये है नजद, नजद होटल से लेके आया हूँ, और इसमें है फहम, ठीक है ना, इसमें है फहम खबसा, मंदी बोलो खबसा बोलो क्या बोलते हैं आप वो बोलो, फहम यानी कि ये कोलसे के ऊपर इसको जलाते हैं, कोलसे के ऊपर, और इसके साथ में आता है ये टमाटे का कुछ चटनी होता है, और यहाँ पर है लेबन, और ये है मिरिंडा। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं भाई, अब खबसा तो पूरा खबसा ही होता है। तो अभी हो गई है ड्यूटी चालू, ड्यूटी में लग गए हैं ना लंच करने के बाद में। तो भाई मेरा जो पासपोर्ट था ना वो सिर्फ 15 दिन में ही आया था, तो मेरा पासपोर्ट गया था निज़ामाबाद से मुंबई, मुंबई में अपना ट्रेवल्स बोल के, अपना APNA अपना ट्रेवल्स, तो वहाँ पर जा कर के मेरा स्टाम्पिंग वगैरह हुआ था, ठीक है। तो वहाँ से फिर पासपोर्ट सिर्फ 15 दिन में ही वापस आ गया, 15 दिन के बाद भाई ने मेरे को फ़ोन किया कि भाई तुम्हारा पासपोर्ट आ गया है, टिकट कब का करना है। तो 15 तारीख से मैं जो है 24 तारीख तक रुका, 24 तारीख का टिकट था मेरा, 24 तारीख को मैं यानी कि हैदराबाद के एयरपोर्ट से उड़ा, शमशाबाद एयरपोर्ट से, शमशाबाद ही है ना, हाँ शमशाबाद एयरपोर्ट से हैदराबाद से 24 तारीख दिसंबर 2012 में मैं इंडिया से उड़ा, और आने के बाद यहाँ सऊदी अरब में उतरा। उतरने के बाद मेरे को एयरपोर्ट लेने के वास्ते कोई भी नहीं आया था, वैसे मैं ये पहले सुना चुका था मेरे स्टोरीज में। तो मैं क्या किया, वहाँ से टैक्सी बात किया, यहाँ पर मेरे भाई लोग रहते थे कज़न ब्रदर्स, तो उनको फ़ोन किया था, उनके पास चला गया था, उनके पास सुबह 7 बजे से लेकर के 3 बजे तक रुका था। उसके बाद जो है कफील मेरा आके वहाँ से मेरे को लेके आ गया था वापस, ठीक है, रूम पे लेके आ लिया था इधर शिफा में। तो ये हुआ था भाई, टोटल मेरे साथ 60,000 का खर्चा हुआ है सऊदी अरब पहुँचने में, जब से मैं ना कोई वीज़ा बदला हूँ ना कफील बदला हूँ, जो भी परेशानी जो भी प्रॉब्लम आई इन्हीं के साथ निपटते रहा, लेकिन अभी तक उन्हीं के पास रहा हूँ। कम सैलरी में भी किया हूँ, सैलरी बढ़ती गई तो भी किया हूँ, कितने बार झगड़े लफड़े हुए गाड़ी चलाने के बारे में, स्पीड के बारे में, गाड़ी स्पीड के जो कैमरे आते हैं उसके बारे में, गाड़ी के एक्सीडेंट के बारे में, फिर भी मैं पीछा नहीं हटा, जो काम है अपना काम पहले, वो झगड़े जो है झगड़े झगड़े झगड़ों की जगह काम काम की जगह, काम करेंगे तो रिजक मिलता है, तो उसी लिए जो है मैं काम को मोहब्बत करता हूँ, काम को छोड़ता नहीं हूँ। तो होप किया भाई आपका आंसर मिल गया होगा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, कमेंट करने की वजह से मेरे को ये वीडियो का टॉपिक मिला। अगर आप लोग भी भाई ऐसे कमेंट्स करोगे अच्छे अच्छे तो हो सकता है आपके कमेंट से भी मेरे को कुछ ना कुछ टॉपिक मिल जाए, और जो है मैं वीडियो बना दूँ आप लोगों के साथ में शेयर करूँ। तो मिलते हैं इंशाल्लाह, ड्यूटी चालू हो गया, ड्यूटी में अब ज़रूरी है जाना, ठीक है, मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में। ख्याल रखिएगा अपना, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को नीचे दिया गया लाल बटन को दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए, और बाजू में दिया हुआ बेल आइकॉन पे ऑल पे क्लिक करिए, और इंस्टाग्राम भी है, इंस्टाग्राम पे मैं स्टोरीज फोटो वगैरह शेयर करता हूँ, लाइव अपडेट देता हूँ, कहीं भी कहीं जाता हूँ तो, कभी भी कहीं जाता हूँ तो लाइव अपडेट वगैरह शेयर करता हूँ कि मैं कहाँ जा रहा हूँ क्या कर रहा हूँ। तो अगर आप इंस्टाग्राम चलाते हैं फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा, मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में, ख्याल रखिएगा अपना, मां सलामा, अल्लाह हाफिज़।